करेगा। नहीं यार मैं नहीं कर सकती। अरे तू समझ नहीं रही, अगर हमने नहीं करा तो, पर अगर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लोगों तक बात कौन पहुंचाएगा, अवेयरनेस कैसे फैलेगी। ठीक है अब तो हम करेंगे। वीडियो किस बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। अंडरगार्मेंट्स और लॉन्ड्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको आपके माइंड में आते हैं ना, उन सब के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और सिर्फ सॉल्यूशन से क्यों, उनके हैक्स भी तो है इस वीडियो में। तो इसी बात पर वीडियो को 1 लाख लाइक तो आप दे ही दोगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अलग सा ना टारगेट रखते हैं। इस बार हमें 30,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अरे उतना छोटे पैसे और ये तो उठ नहीं रही, पर आप वीडियो जरूर स्टार्ट कर दो। अरे जो तूने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किया ना, अच्छी है ना? हाँ अच्छी अच्छी है। और तो ये ड्रेस भी ऑसम लग रही है, पर ये ब्रश टाइप कहाँ से आ गया बीच में? अब ये मत बोल दे कि इसका भी तेरे पास है क्या? है तो क्यों नहीं बताऊंगी, तो बता। पेपर क्लिप है? मेरे पास नहीं है। हाँ तेरे पास नहीं, तू अनपढ़ है। पर जो लड़कियां पढ़ती लिखती है या पढ़ी लिखी होती है उनके पास पेपर क्लिप बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन लगाना है, करना क्या है उसका बताओ तू। इस तरीके से जो दोनों स्टेप्स हैं उनको कलेक्ट करना है, और ये पेपर क्लिप को इस तरह से ले जाते हुए ऐसे इसको घुमा देना है। अब देखिए यहीं पे सिक्योर हो गई, अब ये बिल्कुल भी यहाँ से हिलेगी नहीं, और जो तेरी स्टेप गिरने की प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। यार मेरी ब्रा तो एकदम सही है, लेकिन उसका जो बैंड है ना वो दिन पर दिन टाइट होता जा रहा है, तो मुझे नई ब्रा तो नहीं खरीदी, कोई हेल्प बता दे। अरे तू अपनी कोई से भी पुरानी, अरे मैं तो कह रही हूँ मम्मी की, दीदी की, भाभी की, किसी की भी चलेगी, पुरानी ब्रा ले ले जो कोई काम की ना हो। ले अब उसके पीछे का पार्ट काट ले जहाँ हुक फंसाते हैं। अब जहाँ तू हुक फंसाते है अपनी नॉर्मल ब्रा में, उसके आगे इसको स्टिच कर दे। अब ले हो गया तेरा बैंड लंबा। थैंक यू यार। अब तुझे बिल्कुल भी नई ब्रा नहीं खरीदनी पड़ेगी, फिर जितने तेरे पैसे बचाए मुझे गोलगप्पे खिला दो शाम को। मुझे ना एक प्रॉब्लम है। क्या यार, जब भी मैं कोई भी टाइट बॉटम पहनती हूँ या फिर जैकेट्स वगैरह पहनती हूँ ना, तो उसमें वो पैंटी की लाइन से दिखने जाती। ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। पर इसका सलूशन ना ऐसे चुटकी बजा के हो जाना है। जो हम नॉर्मल पैंटी पहनते हैं उसमें क्या होता है, स्टिचिंग होती है जो कि टाइट बॉटम पहनने पे दिखती है। अब तू ही सोच कि अगर प्लेन स्मूथ कपड़ा है उसमें बीच में सिलाई आ गई तो वो तो दिखेगी ना, तो उसके लिए तू पहन बॉय शॉर्ट। एक मिनट, ये बॉय शॉर्ट लड़कों वाला शॉर्ट्स भी पहनते हैं? बॉयफ्रेंड जीन्स होती तो क्या अपने बॉयफ्रेंड की जीन्स पहनती घूमती है? Oh, no. वैसे ही बॉय शॉर्ट होते लड़कियों के ही है, नाम है उनका बॉय शॉर्ट। उनमें क्या होता है वो आपके थाइस तक आते हैं, जिससे आपकी पैंटी लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और तूने शॉर्ट ड्रेसेस के साथ भी पहन सकती है, जिससे तेरे ऊप्स मूवमेंट भी बच जाएंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जितने अंडर गार्मेंट्स है ना वो 3-4 महीने से ज्यादा टिकते ही नहीं है। बात बता, धोती कैसे तू? जैसे सारे कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में। यही तो गलती करती है, हाथ से धोया कर उनको। हाथ से अब इतना टाइम कहाँ यार। हाँ वैसे मुझे पता है कि तू बहुत आलसी है और हाथ से तो धोने से नहीं, पर ऐसे आलसियों के लिए मैं एक और ऑप्शन देती हूँ कि जो कैंटीन में कपड़ा होता है ना, हाँ, उसकी एक पोटली बनाओ, उसमें सारी ब्रा हुक बंद करके डालो और एक रबर बैंड से उसे सिक्योर कर दो, और उसको आप वॉशिंग मशीन में डाल दो धुलने के लिए। इससे क्या होगा, जो आपके अंडरगार्मेंट्स है वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे और एक ही जगह में अच्छे से धुल जाएंगे। और प्लीज एयर ड्राई करना, वॉशिंग मशीन से ड्राई मत करना। क्यों? क्योंकि जब तूने ड्रायर से सुखाएगी ना तो वो पूरी निचुड़ जाएंगी, जिससे उनका पैड, वायर, इलास्टिक सब बर्बाद हो जाएगा। तो सिर्फ उनको वॉश कर और हल्के हल्के हाथों से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के सूखने डाल दे। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? होती है ना यार, मैं जब भी ब्रा लेने जाती हूँ ना तो बढ़िया सुंदर सुंदर सी अच्छी ब्रा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, तब तो अच्छी लगती है। पर जब मैं घर लेके आती हूँ टी शर्ट के साथ पहनती हूँ ना तो इतनी गंदी लगती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मांगी की ब्रा पहनी, ऊपर से वो लाइन जो दिखती है ना दिमाग खराब हो जाता है मेरा। और खरीद हट पड़ी हुई। मैंने इतने सारे सोल्यूशन दिए, बस जब भी तू ब्रा लेने जाया करना एक फिटिंग टी शर्ट पहन के जाया कर, और अगर तूने कुछ और पहना है तो उस टी शर्ट को जरूर लेके जाया कर, और उसे तू विद क्लोथ और विदाउट क्लोथ दोनों टाइप में ना ब्रा को ट्राई करके देखो। उससे क्या होगा, अगर तूने टाइट टी शर्ट पहनी है तो तुझे इजीली पता चल जाएगा कि ब्रा की लाइन दिख रही है कि नहीं। अगर लाइन बनी तो चेंज कर, और नहीं बनी तो मिल गई तुझे तेरी परफेक्ट ब्रा। मुझे नहीं पता था कि तेरे पास भी इतना दिमाग है। इतना दिमाग है तो मेरी बॉडी शेप वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा। देख वैसे तो मैं बहुत पतली हूँ, बहुत पतली है, ज्यादा शेप में दिखने का मन करता है, तो उसके लिए मैंने लिया बॉडी शेपर, अच्छा मोटा सा बॉडी शेपर लिया, और ना बिल्कुल फिटिंग वाला लिया,
पर कुछ फायदा नहीं दिखा मुझे। ऊपर से बल्जेस आ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार तो लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमू साथ में। पहली चीज, मोटा कपड़ा मत ले मेरी माता, और बॉडी को सांस तो लेने दे। और दूसरी चीज, जो बॉडी शेपर होता है वो ऑलरेडी स्ट्रेचेबल होता है और बॉडी को हक करने के लिए बना होता है, तो उसे ना तू अपनी बॉडी साइज के एक साइज ऊपर खरीद। अब तू खुद सोच, अगर तूने बहुत टाइट फिटेड का बॉडी शेपर पहना तो फैट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह कहाँ बचेगी? तो जिस जगह पर तेरा बॉडी शेपर खत्म होगा ना, उस जगह पर तेरे बजट बड़े आराम से दिखने लग जाएंगे। बड़े आराम से कोई अच्छी बात है क्योंकि बड़े आराम से दिखने लग जाएंगे, मतलब अच्छे से दिखने लग जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं पहनना है। ये क्या देने वाले हैं? होगी तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व सारी, पर अब जो मैं तुझे बात बताने वाली हूँ ना, वो हर लड़की के मन की बात है। क्या तू साइड के बल्जेस की बात करने वाली है? बता बता। देख, मोस्टली क्या होता है, पतले बैंड की ब्रा पहनते हैं जिससे कि हमारा फैट इधर उधर एक्यूमुलेट हो जाता है और बल्जेस दिखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ब्रॉड बैंड की ब्रा पहननी चाहिए। जिस आइडिया वाला है कि रेटल वाला, ब्रॉड बैंड नहीं, ब्रॉड बैंड बैंड। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो ब्रॉड पहनना चाहिए। और अंडरआर्म से जितना कम कटो उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका जो फैट या बल्ज है उससे कवर हो जाए और बिल्कुल भी दिखाई ना दे। एक तो मुझे स्पोर्ट्स ब्रा का समझ नहीं आता, मतलब कंपनी वालों ने ना कुछ भी बना दिया यार। ब्रा तो ब्रा होती है, ब्रा को थोड़ी ना पता है कि हम जिम जा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं, हम वहां घूमने जा रहे हैं। अरे, तुम्हारी ब्रा को नहीं पता होता, पर तुम्हारे ब्रेस्ट और बॉडी को तो पता होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अभी तू बैठी है, तेरा मूवमेंट हो रहा है? नहीं। क्या रहता है कि जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेस्ट का भी मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके सपोर्ट के लिए हमें स्पोर्ट्स ब्रा पहनना ही चाहिए, क्योंकि तूने पीछे देखा वो कितनी ब्रॉड होती है और वो पूरी तरीके से हमारे ब्रेस्ट को कवर और सपोर्ट करती है। इससे क्या होगा कि जो तेरे ब्रेस्ट टिश्यू है ना, वो इंजर्ड हो जाएंगे और ब्रेस्ट सैग हो सकता है उससे, जिसको तू कभी भी ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे अपने मन से नहीं कि कुछ भी बोलता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। मेरी जो फ्रेंड है ना रिंकी मिंकी, उसमें से मिंकी को ना स्मॉल ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, तो मैंने भी उसे पुशअप ब्रा दिला दी और वो खुश है। खुश तो नहीं है, और तो खुश हो भी कैसे सकती है। पुशअप ब्रा एक्सट्रीम स्मॉल ब्रेस्ट या बिग ब्रेस्ट के लिए नहीं होती है, वो होती है परफेक्ट मीडियम ब्रेस्ट के लिए, जिसे वो अच्छे से अपलिफ्ट करती है और एक सही शेप देती है। उसको दिला डबल पैडेड ब्रा, जिससे उसकी स्मॉल ब्रेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तू खुद सोच, अगर किसी के एक्सट्रीम स्मॉल ब्रेस्ट है, तो जब वो ब्रा उसे अपलिफ्ट करेगी तो रिवर्स इफेक्ट तो आएगा ही ना, वो अपलिफ्ट होने के बदले और अंदर को संक हो जाएंगे, जिससे कि आपके ब्रेस्ट और ज्यादा छोटे या अजीब शेप के दिख सकते हैं। यार, अब हमारे सारे भ्रम खत्म हो गए अंडरगार्मेंट्स को लेके। अब मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई आप लोगों को। मैंने हाँ ठीक है ना, मैंने दो टिप्स तो बताई है ना यार, तो हम भी यूज कर सकती है। ड्रामा मैं तो चाह रही हूँ कि जितने भी नए लोग देख रहे हैं ना, 30,000 तो देख ही रहे होंगे, तो 30,000 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, नहीं तो आपको हमारी नई नई वीडियोस को पता नहीं चलेगा। हो गया, बस खत्म करते हैं। भैया, धूप आ रही, पर्दा डाल दो, जल्दी घंटे बस से।